दमण लोकसभा बैठकना कांग्रेसना उम्मीदवार केतन पटेले एक पत्रकार परिषद योजी चूंटणी पंच सामे नाराजगी व्यक्त करी हती। चुनाव आयोग द्वारा करवामां आवेला सोतेला व्यवहारथी कांग्रेस पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फरन्सनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां चुनाव आयोगनी एकतरफी कामगीरीने लई नाराजगी व्यक्त कराई हती અને કોંગ્રેસ પાર્ટી સાથે એવું ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન કરાય છે એવું દમણ અને દીવના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કેતન પટેલે દમણ કોંગ્રેસ કાર્યાલયમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં યોજી જણાવ્યું હતું। અચ્છા લગ રહા હૈ કે ભાઈ ભય કા વાતાવરણ પેદા હો રહા હૈ ઓર આપને દેખ લિયા હૈ કે અફસર અભી ભી અફસરશાહી ચલાને કી કોશિશ કર રહે હૈ ઓર ઉન્હે એસા પઢા લિખા સાંસદ નહીં ચાહિયે ઉનકો એક અનપઢ સાંસદ ચાહિયે તાકી ઉનકી દુકાન ચાલુ રહે। मैं तो आपके माध्यम से जनता को अपील करना चाहता हूं कि अब वो बारी आ गई है और ऐसे पढ़े लिखे सांसद को आपको लाना चाहिए ताकि जो भी मीटिंग हो प्रशासन की उस मीटिंग में जाके पहले सूझबूझ से देखे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, पहले पढ़े और फिर मिनट्स पे साइन करके आए, नहीं कि अनपढ़ आदमी अंग्रेजी में जो लिखा है उस पर साइन करके आ जावे। तो एक तो ये आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। दूसरा जहाँ फॉर्म 4 की जो बात हुई है, पहले दो नंबर के क्रमांक पे हमारा नाम डाला था, अब एक नंबर पे डाल दिया गया है। अभी वो लोग कह रहे हैं कि गुजराती में जो क ख ग के हिसाब से डाला जा रहा है, तो अगर क ख ग के हिसाब से भी डाले तो लालू भाई का तीसरे नंबर पे आता है, तो इसमें अभी भी लालू भाई का दो नंबर पे बता रहा है। ये पहला केतन पटेल, फिर लालू भाई, फिर वो भावेश है, तो अगर क ख ग के हिसाब से आओ तो भावेश का दूसरे नंबर पे आना चाहिए और लालू भाई का तीसरे नंबर पे आना चाहिए। तो अभी भी ये मिस्टेक कर रहे हैं, तो अभी एक तीसरा फरमान आएगा कि अभी इसको तीसरे नंबर पे डाल दिया गया। तो ये सब कर रही है, इलेक्शन कमीशन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। આવી ગંભીર બાબતોને લઈ ચુનાવ આયોગને સામે કોંગ્રેસ કમિટી દ્વારા ફરિયાદ કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે। સુજીત સિંહનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, દમણ।